हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है रितेश पांडे का इंटरव्यू। हाँ जी, और वीडियो का टाइटल पहले मैं आपको बता देती हूँ, पवन सिंह के बॉलीवुड गाना और खेसारी लाल के लाइव पर खुलकर बोले रितेश पांडे। तो जी, रितेश पांडे बोले हैं खेसारी भैया के जो लाइव आके जिससे बातें शुरू हुई हैं, और पवन भैया के बॉलीवुड गाने को लेकर इनकी क्या राय है वो हमें पता लगेगा। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एक तरफ पवन सिंह का हिंदी गाना आता है तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो है लाइव आते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते, क्या कहेंगे? क्या रितेश पांडे जी बॉलीवुड तक का सफर तय करेंगे? ये तो ईश्वर के हाथ में है भैया। हम लोग आज में जीते हैं, ये हमको लगता है कि भोजपुरी हम अच्छे से कर ले वही बहुत अच्छा है। कि शिव ही मेरा जीवन, शिव ही मेरा सहारा, शिव ही मेरी नैया, भव से करे किनारा। कि शिव नाम का ही ज्योत सुबह शाम जल रहा है, शिव नाम का ही ज्योत सुबह शाम जल रहा है। तेरे नाम से ही बाबा, तेरे नाम से ही भोले, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम से ही भोले। क्या बात है, कल के इवेंट में भी क्या कुछ खास देखने को मिलेगा और ऐसा क्या कुछ स्पेशल रहेगा? देखिए, कल का इवेंट जो है भक्ति से सारा बोर रहेगा, महादेव की भक्ति से। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे यशी फिल्म्स को जो हर साल ई फॉर यू के साथ मिलके ऐसा इवेंट, अभी अभय भैया तो नहीं है लेकिन उनके सुपुत्र है यश भाई हम सभी के बीच में। और जहां तक मैं एक बात आप सबसे बताना चाहता हूं, आज की डेट में आप जो आज से 8 साल 10 साल पहले भोजपुरी फिल्मों पे एक मतलब मार्क लगा हुआ था कि भाई घर के लोग नहीं देखते, आज के डेट में सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्में घर के ही लोग देख रहे हैं, घर की महिलाएं ही देख रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बी फॉर यू का है। हम आपके लिए भैया, आप लोग के लिए ताली बजाना चाह रहे हैं, क्लैप है बी फॉर यू के लिए कि इस तरीके से भोजपुरी सिनेमा जगत को मोड़ के और घर घर तक पहुंचाए, इस तरीके की फिल्में बनाए, इस तरीके का कंटेंट बनाए। आप बधाई के पात्र हैं और डे बाय डे ऐसे ही हमारा भोजपुरी आगे बढ़ता रहे, यही ईश्वर से कामना है। जैसे फिल्म से आपसे सवाल होगा कि हर बार ऐसा आयोजन आप ही लोग करते हैं, नीतेश जी साउंड का एक और कोई प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। कि भोला बाबा बम भोला बाबा, खालो ना भांग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा, खालो ना भांग के गोला बाबा, काहे रुसल बड़ है आँख खोला हो, आ मुख से पूछऊ बोला हो, काहे रुसल बड़ है आँख खोला हो, मुख से पूछऊ बोला हो। अरे भोला बाबा बम भोला बाबा, खालो ना भांग के गोला बाबा। कल ये आप लोग जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता जितने दर्शक हैं सबको हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं कि आप लोग आइए और ये बापू सभागार में जो पटना के गांधी मैदान के बगल में ये ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में आप लोग आइए। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और रात के 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। पूरा दिन आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं प्लीज कम।
सर कलावे के पास सबका ठीक नू बोली फिल्म का सब्सिडी चालू हो गया है बिहार में, तो कब से आप फिल्म का शूटिंग? ये तो बहुत अच्छी बात है हम सभी बिहार वासियों के लिए और बिहार के सारे कलाकारों के लिए। हम लोग बहुत जल्दी अब बिहार में शूट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए एक सरकारी मदद मिलती है प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को, तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार बहुत पहले से कदम उठा चुके हैं। बिहार थोड़ा लेट उठाया लेकिन उठाया, लेकिन अच्छा है। हेलो कौन भैया, 1 बिलियन होने वाला है, क्या कहिएगा? भोजपुरी का पहला ऐसा सॉन्ग है जो एक ही चैनल पे 1 बिलियन होगा, भोजपुरी का सबसे बड़ा सॉन्ग है और आपके द्वारा गाया गया है। आप सबका प्यार दुलार है, देवतुल्य जनता का प्यार दुलार है कि भोजपुरी में का पहला गाना ऐसा है जो 1 बिलियन टच करने जा रहा है, तो ये तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसकी खुशी। और धन्यवाद कैसे करें सबका, यही हमको नहीं समझ। इस खुशी पे दो लाइन हो जाए हेलो कौन, हर नंबर पे उसके मन किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे। शायद ये गाना नहीं किया मैंने, प्लेबैक किया जी जी। बॉलीवुड के फिल्म के स्क्रिप्ट फिल्म के गानों में कौन सी ने प्लेबैक किया? भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अच्छा आप लोगों को एक जैसे बी4यू के लिए और भोजपुरी समाज के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी भोजपुरी में कोई कंटेंट बनता है, जब भी भोजपुरी का कोई चैनल आता है, तो जो भोजपुरी के बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, भोजपुरी में पैसे आए कैसे, जॉनसन जैन हमारे जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं बी4यू नेटवर्क के, तो इनके लिए भी हम चाहेंगे कि कुछ बोले ये कि कैसे भोजपुरी मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है। भोजपुरी मार्केट जो है वो बहुत ही कहाँ जाएंगे ये आगे काफी इम्पोर्टेंट मार्केट है, काफी सारा इसके हमारा ये है कि हम कैसे भी करके इस जॉनर को और बड़ा करें। और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का डाबर च्यवनप्राश, ITC के सनराइज मिशन जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसी शो के साथ लॉन्च हो रहा है देखिए आप मार्केट में प्रॉपर्टी, मतलब आप टीवी पे कैंपेन लिखेंगे उसका, और जालिम रोशन है BKFM का सारा काम शाम को प्लस टाइम में उसको सपोर्ट किया है, तो आप देख रहे हो बी4यू कितना इम्पोर्टेंट चैनल है। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनका कोई भी शोज नहीं आ रहा, बट हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जिस तरह से गाने बन रहे हैं, इनके कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन में कोई और इंडस्ट्री है गाने के मामले में, जिस तरह से इतने बड़े बड़े सॉन्ग आते हैं? राइट क्वेश्चन टू आंसर है क्वेश्चन, क्या भैया है कोई ऐसा? क्या आप, मैं समझा नहीं क्या जिस तरह से भोजपुरी में करोड़ों रुपए के गाने बन रहे हैं और रेवेन्यू जो आ रहा है करोड़ों रुपया आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि गाने के मामले में पंजाबी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया भोजपुरी? देखिए मेन बात यह है कि जितने हमारे पास लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, भारत पूरे भारत में किसी भी रीजनल इंडस्ट्री के पास इतने लोग नहीं हैं, उसको देखने वाले और सुनने वाले नियर अबाउट 30-32 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन जो भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका संख्या ज्यादा है उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा, ज्यादा देखा जाएगा, पर फिल्में नहीं हो पाती हैं जिस तरह से। फिल्में हो तो रही हैं, ये सिनेमा को हो तो रही है। बात क्या है कि कितने प्यार से बोल रहे हैं, पहले जितने भी भोजपुरी फिल्में लगती थी वो सिंगल थिएटर्स में लगती थी, अब सारे सिंगल थिएटर्स कहीं टूट के वो मॉल बन रहा है, कुछ वहाँ पे कुछ और हो रहा है। जैसे जैसे हमारे भोजपुरी से लोग जुड़ रहे हैं, हमारे भोजपुरी का सुनहरा भविष्य आने वाला है। क्या रितेश पांडे जी बॉलीवुड तक का सफर तय करेंगे? ये तो ईश्वर के हाथ में है भैया, हम लोग आज में जीते हैं। ये हमको लगता है कि भोजपुरी हम अच्छे से कर ले वही बहुत अच्छा है, आगे का देखा जाएगा, कौन जानता है। चले थैंक यू। तो जी बहुत अच्छा इंटरव्यू था, इन्होंने खेसारी भैया की लाइफ के ऊपर कोई बात नहीं करी है, ये टाइटल बस वैसे ही था। हाँ इन्होंने अपना जरूर बातें करी हैं कि ये भोजपुरी कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है अच्छे तरीके से, और भोजपुरी में अब सब्सिडीज़ मिल गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में भी सब्सिडी मिली है। अब ये है ना कि ये लोग खुल के काम कर सकते हैं, कोई भी कलाकार अब खुल के काम कर सकता है, इनको अब थोड़ा सा मतलब एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी तो खबर है ही ये। और रितेश पांडे बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे डाउन टू अर्थ ये हैं ही, और बहुत ही प्यार से बोलते हैं, बहुत विनम्रता के साथ बोलते हैं, इनमें ईगो बिल्कुल भी नहीं है, डाउन टू अर्थ हैं बहुत ज़्यादा।
तो मुझे इनका इंटरव्यू अच्छा लगा, आप लोग कैसे लगा प्लीज़ मुझे जरूर बताएं। और हाँ, हेलो कौन गाना शायद मैंने नहीं किया है, तो ये कल मैं गाना पक्का सुनूंगी आप लोगों के साथ ही, मुझे नहीं पता था हेलो कौन का। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टाटा बाय बाय।